प्यार में इंसान सभी सीमा को पार कर जाता है, ऐसा आपने सुना तो होगा। पर क्या कोई इतना भी पागल हो सकता है कि देश की सीमा भी उसके लिए मायने ना रखती हो? मोहब्बत के जुनून में आशिक अक्सर कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से वो अक्सर सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला है बिहार के सीतामढ़ी में। बिहार के नेपाल से लगा सीमावर्ती जिला सीतामढ़ी एक बार फिर से सुर्खियों में है। मामला बॉर्डर से पाकिस्तानी युवती का संदिग्ध तौर पर भारत में घुसने का है। अपने प्रेमी से मिलने के लिए पाकिस्तान से आई प्रेमिका ने सारी हदें पार कर दी, अवैध तरीके से भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की, जिसके कारण प्रेमी से मिलने के बजाय प्रेमिका सीधा सलाखों के पीछे पहुंच गई। उसे सुरक्षा बलों के द्वारा सीधा गिरफ्तार किया गया। उसके साथ साथ एक नेपाली युवक को भी सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया, जो इस तरीके से अवैध तरीके से भारत में घुसने में उसकी मदद कर रहा था। आपका घर कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। जोर से बोलिए, कहाँ है घर? पाकिस्तान में। अरे कब आए थे नेपाल में? हफ्ते। कितना दिन हुआ? हफ्ते को आई थी, लास्ट वीक आई थी। लास्ट वीक आई थी। रुके थे कहाँ पे? होटल में। कौन सा होटल? काठमांडू में। घर कहाँ जा रहा? ये लड़का भी था साथ में? नहीं। आप अकेले थी? जी। ये रिसीव कहाँ किया आपको? ये रिसीव करने नहीं आए थे। तो फिर आप कैसे आए यहाँ तक? मैं खुद आई हूँ। ये लड़का? ये लड़का सिर्फ हेल्प किया। कब से? ये लड़का जो है कब से आपका हेल्प करने लगा? सर ऊपर करके बोलिए, सर ऊपर करिए, सिर ऊपर करिए, इधर कैमरा में देखिए। आज ही हेल्प किया है? आज ही हेल्प किया? झूठ बोल रही है आप? नहीं, झूठ तो नहीं। जो एक दिन में ऐसा नहीं होता है, कोई किसी के साथ सॉल्व देगा? नहीं ना, मैं सही बताओ आप। मैं जिसको लाइक करती हूँ उनके भाई है, इसलिए हेल्प करने आई हैं। अच्छा अच्छा, आप अकेले काठमांडू में रुके थे? कौन सा होटल बोले? काठमांडू विजिटर। हाँ, काठमांडू विजिटर। अच्छा अच्छा, कब कितना दिन हो गया होटल में आपको? एक नाइट स्टे की थी। अच्छा, ये रिसीव आपको कहाँ किया? रिसीव नहीं किए थे। आपको ये कहाँ मिला? ये बस नानकपुर में मिले थे हम। कहाँ? नानकपुर में। जनकपुर में? नानकपुर में। नानकपुर कहाँ है? नानकपुर नहीं है जी, जनकपुर। जनकपुर है, नानकपुर नहीं, जनकपुर है। मुझे नाम नहीं पता। आपका क्या नाम है? तू कहाँ से रिसीव किया? खतीजा। हाँ, खतीजा। क्या? खतीजा। घर कहाँ है? घर फैसलाबाद, पाकिस्तान। फैसलाबाद। बॉर्डर पर तैनात एसएसपी ने संदेह के आधार पर पूछताछ किया, तब जाकर खुलासा हुआ कि नकली आधार कार्ड के माध्यम से युवती भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रही थी। हालांकि एसएसपी ने जब पूछताछ शुरू की तो हकीकत सामने आ गई। जब कागजात की जांच की गई तो युवती पकड़ी गई। संदिग्ध युवती पाकिस्तान के फैसलाबाद जिले की निकली है। उधर पूछताछ में उसने प्रेमी से मिलने की बात स्वीकार की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के द्वारा युवती को सीतामढ़ी पुलिस को सौंप दिया गया है। सीतामढ़ी से केशवानंद की रिपोर्ट, बिहार तक।